असलकुम स्टूडेंट्स क्लास फोर चैप्टर नंबर एट बिजी मंथ लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कुछ यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था तो हमने लास्ट पे ये डिस्कस किया था कि रॉबिन जो है एक बर्ड उसने अपने एग्स ले किए हैं बिटवीन द स्टोन्स अलॉन्ग साइड द रोड और uh, उसके बाद ये था कि हमें अब डिस्कस कर रहे हैं कि उसके जो Uh, उसका जो नेस्ट है उसका जो घोसला है वो कैसे किस 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 चीज़ से बना हुआ है राइट ओके ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स रूट्स वूल हेयर एंड कॉटन वूल तो उसका जो घोसला है वो बना हुआ है सॉफ्ट टहनियों से जो टहनी होती है उसके उसका एक सॉफ्ट पार्ट नहीं होता है उस सॉफ्ट पार्ट से सॉफ्ट ट्विग्स हम उसी को बोलते हैं उससे बना हुआ था रूट्स जड़ों से बना हुआ था वूल uh, फिर हो गया हेयर फिर हो गया कॉटन वो कॉटन से बना हुआ था ऊन से बना हुआ था जड़ों से बना हुआ था सॉफ्ट टहनीों से बना हुआ था बालों से बना हुआ था तो वो कितना सॉफ्ट हो सकता है आप सोच सकते हैं दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट इस तरह से उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था वाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इस चिक्स कितना सॉफ्ट और कम्फर्टेबल घर बनाया था उसने अपने चिक्स के लिए द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो रॉबिन जो है वो क्रो की तरह नहीं होता है अ क्रोज नेस्ट इज़ मेड ऑफ़ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इवन पीसीज ऑफ़ वायर एंड वुड क्रो का जो नेस्ट होता है जो कवे का घोंसला होता है ना उसमें सारी चीज़ें होती हैं जब वो अपना नेस्ट बनाता है उसमें वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है इवन पीसीज ऑफ वायर वुड उसके नेस्ट में हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी तो आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिनस नेस्ट तो ये लेटर uh, लिखने वाला बोलता है कि मैंने एक बेबी बर्ड देखा रॉबिन के घोंसले में इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइट ओपन तो वो कैसे बैठा हुआ था अपनी बीक बीक मतलब हो गया चोंच चोंच खोल के बैठा हुआ था खाना खाने के लिए द माउथ वॉज रेड फ्राम इनसाइड उसका माउथ जो था उसका मुँह जो था अंदर से रेड था इन अ लिटल वाइल्ड थोड़ी देर बाद क्या होता है द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स तो थोड़ी देर बाद क्या होता है रॉबिन आता है अपने घोंसले में और उसकी ची ची चिक के उसके बीक में कुछ डालता है मे बी कुछ इंसेक्ट कीड़े वगैरह कुछ डालता है खाने के लिए बाय देन इट वाज इवनिंग द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक तो फिर शाम हो जाती है और रॉबिन क्या करता है अपनी चिक्स के साथ आराम से बैठ जाते हैं